नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे सम्राट यूट्यूब चैनल में। सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ एक मोबाइल नंबर देखे उसका लोकेशन, उसका एड्रेस, उसका नाम ए टू जेड पता कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप ईमेल आईडी डाल के किसी का भी लोकेशन, किसी का भी नाम, किसी का भी फोन नंबर पता कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड, मेरे को ज्यादा कमेंट्स आ रहा है जो किसी का ईमेल आईडी हैक करना हो तो अच्छा बात है नहीं, फिर किसी का ईमेल आईडी पता ना, फिर उसको पासवर्ड मालूम करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाते हो सकते। जिसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ उसका आईडी मेरे को पता ही नहीं है, उसका फेसबुक आईडी क्या है वो भी मैं नहीं जानते। कैसे ज्यादातर आदमी आपको बार बार मिस कॉल दे रहा है, बार बार फोन कर रहा है, अननोन नंबर से फोन आ रहा है, उसका नंबर ट्रैक करना चाहते, कोई फ्रेंड का नंबर वा ऐसा आदमी को आप ट्रैक करना चाहते जिसको बारे में आप पता ही नहीं, कि किसी को जानते भी नहीं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर के बारे में फ्रेंड आपको बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप उसका एड्रेस, उसका लोकेशन और उसका नेम ए टू जेड आप पता कर सकते, कुछ करना नहीं। जैसे आपका पास अगर कोई भी मोबाइल नंबर है, किसी का नंबर आपका पास आ गया और उसका एड्रेस और लोकेशन निकालना चाहते हैं, तो सिर्फ मोबाइल नंबर देके भी आप आसानी से कर पाओगे। ऐसा एक टॉपिक है और मैं बताऊंगा ए टू जेड फ्रेंड कैसे आप कर सकते हैं, कैसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं ए टू जेड इसमें बताऊंगा। तो आप अगर सीखना चाहते तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहना। और एक बात है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा वीडियो लेके आता हूँ तो आपका काम का होगा। जो प्रॉब्लम अभी तक आप झेलते आए हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बता रहे थे, आप पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मोबाइल नंबर ट्रैकिंग एंड लोकेशन लोकेटर। तो ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना। और आप ये जो लोगो ये देख के रखना और ये नेम, ये दोनों आप देख के रखना, क्योंकि ये नाम पे हजारों एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कोई लोगो फिर नेम उल्टा पलटा हो जाए तो दूसरा ऐप में घुस जाओगे। तो इसलिए ये जो लोगो है एंड इसका जो नेम है देख के रखना और यही लोगो देख के फिर घुसना। तो सिंपली ओपन कर लेना फ्रेंड, मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ आपके लिए, तो ओपन कर लेते फ्रेंड। आप अगर पहले बार इस्तेमाल करना चाहोगे तो थोड़ा अलाउ मांगेगा, क्योंकि मैं पहले चेक करके कुरान चेक करके फिर जाके आपको सामने लेके आऊँ। तो इसलिए आप भी अगर यह करोगे तो थोड़ा अलाउ मांगेगा आपका, उस पर अलाउ कर देना तो ऑटोमेटिकली लोकेट कर लेगा फ्रेंड। इसका जो फास्ट पेज आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। तो आपको स्टेट में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे आपको मोर ऐप का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये जो ऐप है ये आपके लिए एनफ है, तो स्टार्ट में क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे वो नंबर डालना पड़ेगा जो नंबर आप लोकेट करना ट्रैक करना चाहते और उसका कहाँ पे है उसका एड्रेस भी जानना चाहते, कौन सा सिम यूज कर रहे हैं, कौन सा नाम पे है, वो ए टू जेड आपको बता देगा। तो सिंपली आप इधर में जो नंबर डाल देना, जैसे मैं डाल रहा हूँ, डाल के फिर फ्रेंड सबमिट पर क्लिक कर देना। एक प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा ऐड आते रहते हैं, ऐसे ही ट्रस्टेड ऐप है। तो फ्रेंड में जो नंबर डाला आप देख सकते हैं राजस्थान का नंबर है, अरे रिलायंस का है, मतलब जियो का सिम यूज कर रहा है और इसका जो टाइप है फ्रेंड CDM है। तो इसका जियो सिम यूज कर रहा है ये कहाँ का है, राजस्थान का है। तो आप अगर मैप यूज करोगे तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है फ्रेंड वही आपको बता देगा और डिस्टेंस भी आपको बता देगा, इधर से कितना दूर है, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, अभी वो रिमूव कर रहा है वो भी आपको बता देगा। तो नीचे में आपको मिल जाएगा शो मैप, शो मैप में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देख पाओगे, मैं तो फिलहाल डीडीएवरा में हूँ और इधर से वो जो नंबर है वो राजस्थान का है और राजस्थान में अभी एग्जैक्ट यही पे वो मूव कर रहे हो, वहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो वो अगर हिलेगा, इधर उधर जाएगा, कुछ मूव करते रहेगा तो भी आपको इधर से पता चल जाएगा, मैप भी हिलते रहेगा। अगर एक जगह पे खड़ा है तो वो एक जगह पे ही रहेगा मैप, और अगर आप बोलोगे नहीं वो अगर एक जगह पे ही रहेगा तो एक ही जगह पे रहेगा। तो डिस्टेंस फ्रेंड देख सकते हैं डीडिया पर, मतलब गुजरात से राजस्थान तक कितना डिस्टेंस है वो अभी यहाँ पे। दोस्तों कोई भी नंबर अगर आप यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता देगा, कितना दूर में है फ्रेंड वो भी बता देगा। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर भी यूज कर सकते, जैसे मैं दूसरा एक नंबर भी आपको यूज करके बताता हूँ फ्रेंड।
या फिर मैं दूसरा और एक नंबर डालते फिर सबमिट कर देते। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं महाराष्ट्र गोवा का है, सर्विस प्रोवाइडर रियलिस का है। तो ये इसका मैप में शो करके बता दे फ्रेंड, ये जो मैप है आप देख सकते हैं कहाँ पे अभी स्टंट कर रहे हो कहाँ पे है। तो इधर से मेरा जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, मेरा जो लोकेशन है फ्रेंड डीडीपुरा का लोकेशन है, इधर से लेके वो जो नंबर है अभी कहाँ पे है वो भी आपको पूरा के पूरा बता रहे। और इसका लोकेशन ट्रैक करके उसको बोल भी सकते, जैसे आप किसी को फोन लगाया हो उल्टा सीधा वो बोल रहे हैं इधर नहीं उधर है, तो अभी वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे उसको पता चल जाएगा। फिर आप फ्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड, फिर आपका कोई लॉस्ट फोन है, फोन चुरी हो गया, फिर सिम चुरी हो गया, इसके लिए भी आपको पुलिस के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आसानी से आप इस ऐप का मदद से बहुत ही आसानी से उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा कंपनी का सिम यूज़ कर वो भी आप कर सकते हैं। और इसका अगर पेड वर्जन लोगे तो उसका IMEI नंबर तक आप पता कर सकते फ्रेंड, तो आपको कोई फेक कॉल नहीं कर पाएगा, उसको एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाओगे। तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आप जरूर ट्राई करना। तो फ्रेंड अब देख लिया कैसे बहुत ही आसानी से आप किसी का नंबर, किसी का नेम, किसी का लोकेशन आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान बात है, कोई भी ये इस्तेमाल कर पाएगा, इतना आसान ऐप है। तो ये तो अब देख लिया कैसे क्या करना है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो जरूर मेरे को कमेंट्स करना, मैं उसको रिप्लाई करते रहूंगा। और ये फ्रेंड ये अगर आपका काम का लगे तो आपका फ्रेंड के साथ, आपका रिश्तेदार के साथ, आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करना, क्योंकि दूसरा आदमी को पता चल जाए तो उसको भी कोई परेशानी है तो आसानी से किसी का भी लोकेशन एंड एड्रेस वो पता कर पाएगा। और फ्रेंड मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।